नेक्स्ट मैं आपको जो रिपोर्टिंग बताने जा रहा हूँ मेरे मित्र दलपत जी सुराणा की है। दलपत जी सुराणा ने और बाबूलाल जी मोटावत ने भोपालपुरा में एक बहुत बढ़िया आलिशान होटल बनाई। होटल के इस मौके पर प्रसन्न जी खमेसरा, प्रसन्न जी खमेसरा को सभी लोग जानते हैं, आईजी हैं। दलपत जी सुराणा ने अपने इस होटल में प्रसन्न जी खमेसरा का वेलकम किया। थैंक यू। देखो आप पिता पुत्र का सम्मान कर रहा, पिता पुत्र का ही। आज हम सब उदयपुर के नगरवासी इस मेवाड़ की धरा के, इस मेवाड़ की आन बान शान से पहचान दुनिया में इस मेवाड़ की है, और उसी में हमारे चित्तौड़ में माननीय पुलिस अधीक्षक प्रसन्न जी खिमेसरा इस मेवाड़ का जो गौरव बढ़ाते हुए आगे अभी डीआईजी के पद पर प्रमोशन हुआ है, तो उनके सम्मान में सभी जानी मानी मतलब शख्सियत यहाँ विराजमान है, और आप किसी से अपरिचित नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि 50 साल से सड़क पे घूम रहा हूँ, एक एक का नाम, एक एक के परिवार का नाम, एक एक की तजूरी कहाँ पड़ी हुई वो मुझे मालूम है। गोपाल सिंह साहब भाटी अभी आउटस्टैंडिंग आप प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजे गए कुछ समय पहले, अभी एडिशनल एसपी का आपका प्रमोशन हुआ है, और आपके एक ही पुत्री है और मेजर है कंवर साहब मणिपुर, लड़की उस घर में राज कर दी। कानवर साहब बिरादरी हैं, आजलिया साहब, राव साहब, कंवर साहब अपने कानवर साहब के, इधर हमारे जावरिया जी भाई, मनमोहन जी सिंह जी, खद्दा साहब, तलेसरा साहब, दिलीप जी सुराणा, परिवार के सब लोग हम यहाँ है। बाबूलाल जी मोटावत, रोहित बाबू हमारे कंवर साहब, पधारो आगे बढ़े। अंशवंश का अंशवंश, इरिलेवेंट भी बातें करते हैं कई बार, तो आज हमें अनुशासन में रहना है। पुलिस के दो बड़े अधिकारी हमारे बीच में हैं और हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो इस और रोहित जी से कहूंगा कि शॉल ओढ़ाए माननीय प्रसन्न जी खेमेसरा। हाँ, रोहित रोहित अब कानव साहब माल्यार्पण करेंगे। अब माननीय गोपाल सिंह साहब भाटी, हमारे लिए गर्व की बात है, मेवाड़ की धरा कही थी, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारा राजस्थान जो प्यारो लागे रे, मानो वीर शिरोमणि देश माने प्यारो लागे रे। माननीय गोपाल सिंह जी भाटी को सिंह साहब माल्यार्पण करेंगे, पगड़ी पहनाएंगे, वरुण जी को कहेंगे उपहारना पहनाए, अंशवंश आगे आओ, हाँ एक बार दादा के देखो, दादा को पगड़ी पहनाइए, माला लाओ दादा के लिए, ये उधर ले भाई। अब माल्यार्पण एक एक करके माल्यार्पण में दो नाम माल्यार्पण करेंगे माननीय शरद साहब, शरद जी बधारो माल्यार्पण करें। आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, मेवाड़ का गौरव है और गौरव बढ़ाते रहेंगे।
साहब की श्रीमती जी भी यहाँ विराजे, वो मेरी बेटी है, वो महेंद्र जी तले चपलो साहब मेरे दोस्त है बचपन के, और इधर बता रहे एक सेकंड होम साइंस में आप बहुत ही अच्छे शिक्षक रहे, उनके पापा भी यूनिवर्सिटी में थे महेंद्र जी, हम सेवा पूजा तो मैं तो नहीं करता था, मेरे नाम के दिले गांधी वो करते थे। बहुत बढ़िया, दो जो भी ले गए हैं माला है, हां विराजो गठो, हां अरे ठीक है भाई, इनकी जरूरत सब उत्तर है, आपने His work for the society and for Udaipur has been tremendous since years. It's take it plantation, take it symposiums, take it Rani Road's beautification, take it anything in which he has been the core member everywhere. Take it the beautification of Fateh Sagar Lake as well. So not many things which cannot be listed. Thank you. अब मेरे दोहिते के दादाजी इनकी जो मर्दगी और काम करने की शक्ति कैपेसिटी, वो कहते हैं सक्सेस ऑफ जर्नी नॉट डेस्टिनेशन, सफलता चरणों में है, आत्मविश्वास अगर प्रबल है तो आप ग्रेविटी से बाहर निकल सकते हैं। मैंने देखा है सिंह साहब और इनका जीवन और मेरा जीवन भी मुझे मालूम है, ये जो बचपन से बचपन जो ऊंचाइयां इन्होंने छुई और जो आत्मविश्वास इनका है, ऐसा हौसला हजारों हजारों लाखों में बहुत कम लोगों का होता है। इसी के अवसर पर मुझे तो गर्व इस बात का है कि मेरे पोते पोते के लिए दादा कर रहे हैं, दोहितों के लिए तो इनके माला, ताकि वो सारी डिपोजिट उन्हीं के नाम पे, इसीलिए माला बना रहा हूं। मेरे साथी अधिकारी गोपाती वाटी सर, श्री मडाव सर, पधारे हुए सर, बहुत बहुत बधाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आज क्या कहूँ, रहा है बाबूलाल जी मोटावत साहब एक ऐसा नाम है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से आपसे परिचय है, और उस वक्त जब आप धानमंडी में दुकान अपना काम आप शुरू किए थे, मैं पढ़ते पढ़ते मैंने एक अपना बिजनेस, क्योंकि मैं एमबीए कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि अपना कोई ना कोई एक साथ में एमबीए करते हुए बिजनेस किस तरीके से होता है वो भी देखा जाए, तो उस काम के नाते मेरा आपसे परिचय हुआ था और वो परिचय आज तक जारी रहते हुए इस मुकाम तक पहुंचा है। मुझे इनकी प्रगति देखकर जब भी इनसे बात होती है, जब भी इनसे मुलाकात होती है, और कोई हमारा किसी भी किस्म से कोई आपस में कोई पर्पज़ नहीं, बस ऐसे ही अच्छा और ये बात करते हैं, अच्छे मैं बात करता हूँ, ऐसे ही मिलते हैं, दोस्ती के नाते मिलते हैं हमेशा, और इनकी जो प्रगति देखते हैं तो मन को बहुत ही सुखद एहसास होता है। आज उदयपुर के इस शख्स ने बाहर से आउट ऑफ उदयपुर, आउट ऑफ राजस्थान जो काम किया है वो बहुत ऊँचे लेवल पर इन्होंने अपना काम किया है, और आज भी वही सहजता मुझे तो वैसे के वैसे ही लगते हैं अभी तक। दलपत जी भाई साहब हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और मेरे रिलेशन में भी हैं, और आपकी जैसी अब अभी इसने बताया, चारू ही नाम इसने बताया, उदयपुर के विकास के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए जिस एनर्जी के साथ इन्होंने काम किया है, आज की तारीख में ऐसी झील इस तरीके से एक एकाग्रता के साथ लगातार काम करते रहना, कोई क्या कहे उसकी परवाह नहीं करना, अपना काम करते जाना, और इसके साथ साथ अपने बिजनेस को भी
अपने परिवार को भी जिस तरीके से उन्होंने आगे प्रगति की तरफ ले गए हैं, अनुकरणीय उदाहरण। और आपसे मैं कहीं भी रहा, कैसे भी रहा, तो आपका हर 15-20 दिन महीने भर में फ़ोन आ ही जाता है और लंबी बात इनसे होती है और सारी उदयपुर की सारी चर्चाएं मुझे एक बार इनके थ्रू मिल जाती है कि उदयपुर में क्या नए काम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, क्या स्थितियां हैं, सारी चीज़ आपके थ्रू लगातार मुझे मिलती है और आपका सहयोग मुझे हमेशा हर जगह मिला था। पाटी साहब हमारे पुलिस के बहुत अच्छे अफसर हैं और अभी प्रमोशन हुए हैं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे बाबा साहब बैठे हों, चाहे कलेश्वर साहब बैठे हों, चाहे सुरंगा साहब बैठे हों, चाहे शांति भाई साहब बैठे हों, सभी लोगों से, चाहे सिक्की साहब बैठे हों, सभी से मेरा इस तरीके का परिचय रहा है। और वरुण, रोहित, सभी से अब मुझे लगता है कि अपने ही घर में हम लोग हमेशा मिलते हैं, इस तरीके से रहता है। शरद मेरे कॉलेज के दोस्त हैं और इनका बेटा, मेरे बेटे जो आज सामने खड़ा है, बहू खड़े हैं, ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। और मुझे खुशी है कि आज इस अवसर पर आज इनको वापस चेन्नई निकलना है, लेकिन इनकी भी उपस्थिति यहाँ रही। और आगे आ जाओ बेटा। आज इस कार्यक्रम से जो आपने यहाँ रखा है, मैं 7:30 बजे रवाना हो रहा था, लेकिन अचानक कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी आ गई जिसकी वजह से मुझे थोड़ा रुकना पड़ा। इन लोगों को तो मैंने जल्दी रवाना कर दिया था, लेकिन उसकी वजह से मैं थोड़ा डिले हो गया। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूँगा कि सब। और इस अपनापन को मैं हमेशा सब जगह कहता हूँ कि कहीं भी चले जाओ, लेकिन उदयपुर का जो अपनापन है वो अपनापन अलग ही रहता है। और आज मुझे अत्यंत खुशी हुई कि आपने, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि मोडाव साहब ने इतना और सुराना साहब ने ऐसा कोई आयोजन कर रखा है। मुझे ये बोला था बस लंच पे आना है, उनका बिल्कुल आदि हो जाऊँगा, आदेश की पालना होगी। मन को बहुत अच्छा लगा, मेरे लायक कभी भी कोई काम हो तो अवश्य आप सभी, वैसे घर का आदमी समझ के बता ही सकते हैं। मैं अब यहाँ से चित्तौड़ से बहुत अतिशीघ्र मेरा पोस्ट चेंज होगा, प्रमोशन क्योंकि हो चुका है, तो जहाँ भी जाएंगे, नई जगह जहाँ भी जैसे जाएंगे, आप सभी के वैसे ही सहयोग की दरकार रहेगी, वैसे ही बड़े लोगों के आशीर्वाद की दरकार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पहले अर्पण करके स्वागत करें, क्योंकि उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए रानू आओ, वरुण आओ। इसी बीच मेरा सन कपिल भी आ गया है, ये भी बहुत ग्रेविटी से बाहर है, आदरणीय खिमेशा साहब। तो हमारी पहुँच ही नहीं, हम ये अब इनको हम नहीं छू सकते। माल्यार्पण कपिल खिमेशा साहब को। कपिल की पोस्टिंग में ऐसा पहली अवसर आया होगा, जैसे 4 साल से खिमेश्वर साहब चित्तौड़ में है। हम चाहेंगे कि उदयपुर में DIG का पद खिमेश्वर साहब के लिए है, वो ACD डिपार्टमेंट, और आपका ACD से नाता रहा है और रहेगा। और आपके रहते हुए चित्तौड़ में जो लॉ एंड ऑर्डर, जो अच्छा राजसमंद में रहा, जहाँ जहाँ भी आप रहे, मैंने भी कभी कोई काम कहा तो एक क्षणिक, मतलब यूँ कहना चाहिए चुटकियों में, मतलब वो काम आपका परिवार की तरह, और वो काम सही काम, गलत काम के लिए तो हम कभी कह नहीं सकते हैं। तो आपका उज्ज्वल भविष्य, अभी आपका बहुत समय बाकी है, IG बनेंगे, DG बनेंगे, और भगवान इनको प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा कुछ समय में, मेरे पास ऐसी सूचना आई है। गोपाल सिंह की भाटी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, कोई अवार्ड ऐसा नहीं जो गोपाल सिंह की भाटी को नहीं मिला पुलिस में। तो आपकी एक लड़की और 11 भाई बहनों को आपने पाला पोसा बड़ा किया, और एक ही लड़की है और मेजर है कंवर साहब मणिपुर में, जो फौज में काम कर रहा है, उसके लिए ताली बजाओ कि आज एक लड़की और हमारे शहीद होते हैं जवान हर बॉर्डर पर। वो ज्यादा हम सुनते हैं कि आज बॉर्डर पर जवान शहीद हो गए, देश की रक्षा के लिए जो फौज में भेजता है वो व्यक्ति महान है। आदरणीय भाटी साहब से कहूंगा कि खिमेशा साहब के सम्मान में, और उदयपुर की जनता ने जो आपको प्यार दिया है, ऐसा प्यार मारवाड़ में नहीं मिलता है, ऐसा प्यार मेवाड़ में मिलता है। आदरणीय भाटी साहब, अरे मारवाड़ वाले ने मेवाड़ को प्यार किया। परम आदरणीय खिमेशरा साहब, सरपंची सुराना साहब, मोटर साहब, यहाँ सभी उदयपुर के सम्मानीय नागरिक बंधु, मुझे
पहली बार मैं यहाँ पूरी नौकरी में 85 से मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था, लेकिन मैं मारवाड़ में नौकरी की, लेकिन पहली बार मैं यहाँ उदयपुर आया और मुझे कोई नहीं जानता था, रूटीन में मेरा पोस्टिंग हुआ और मैंने उस लिस्ट में करीब 30 से ज़्यादा DYSP रहे हैं देश आज़ाद होने के बाद, सबसे हाईएस्ट पोस्टिंग मेरी रही 3.5 साल और यहाँ इतना प्यार मिला है। और मेवाड़ की खासियत है, सबसे बड़ी खासियत है कि इस मेवाड़ में जातिवाद नहीं है, आपस में एक दूसरे में भाईचारा बहुत है। और मैं मारवाड़ में नौकरी की तो वहाँ बहुत ज़्यादा जातिवाद है, वहाँ नौकरी करना बहुत कठिन है, और उदयपुर के लोग इतने सरल और सीधे लोग हैं कि आपके 10,000 की भीड़ हो, 5-10 पुलिस वाले हो तो भी इनको रोके तो रुक जाते हैं, मतलब। और जैसे मारवाड़ में आपने देखा होगा सामरव कांड हुआ, 10,000 लोग इकट्ठे हुए और पूरे गांव को जला दिया, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ के लोग बहुत कानून का सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, इज्जत लेते हैं। आपने मेरे को यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद।